गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम श्रुति एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स का रिटायरमेंट का एक और टॉपिक कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम ऑलरेडी जो रिजर्व या प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनकी क्या जनरल एंट्री पास होती है तो बिल्कुल एडमिशन की तरह एंट्री पास होगी अगर आप लोग को याद है तो एडमिशन के टाइम पे जब भी हम लोग रिजर्व्स या अक्यूमलेटेड लॉसेस की बात करते थे तो उन रिजर्वस एंड लॉसेस को हम लोग ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे क्योंकि वो सभी पुराने पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशन से इकट्ठा किए होते थे उसी तरीके से जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो भी जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सभी की कॉन्ट्रीब्यूशन से क्रिएट हुए हैं तो वो सभी पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो देखिए क्या जनरल एंट्री पास होगी सबसे पहले हम लोग करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड प्रॉफिट्स तो देखिए रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है रिजर्व का होता है क्रेडिट बैलेंस और जब आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो डेबिट हो जाएंगे जैसे कि जनरल एंट्री होगी जैसे कि हम लेते हैं एक तो हमारे पास होता है कौन से कौन से रिजर्व हमारे पास होता है जनरल रिजर्व तो हम लोग जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट उसी तरीके से कोई और अगर रिजर्व है जैसे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये पूरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग एडमिशन में डिस्कस कर चुके हैं सेम तरीके से ही ये रिटायरमेंट में डिस्कस होगा तो ये एडमिशन की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग डब्ल्यू सी आर एंड आई एफ आर का टॉपिक कंसल्ट कर सकते हैं उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट इनका भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये डेबिट हो जाएंगे और किस को मिलेंगे ये मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को यानी कि जो पार्टनर्स पुराने थे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन विच रेशो इन ओल्ड रेशो ठीक है एंड अगर आपके कैपिटल्स क्वेश्चन में एक्सक्लूसिवली मेंशन है कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो उसमें कैपिटल की जगह हम लोग क्या एंट्री किस वर्ड से पास करेंगे एंट्री करंट अकाउंट से उस केस में हम टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट की एंट्री पास कर देंगे उसी तरीके से अगर हमको ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस का देखना हो तो देखिए लॉसेस का कौन सा बैलेंस होता है लॉसेस का होता है डेबिट बैलेंस नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस तो जब आप इस डेबिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्रेडिट तो पार्टनर्स क्या एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो हम लोग करंट लिख देंगे टू मान लीजिए मैंने बात करी प्रॉफिट की टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस डेबिट बैलेंस तो ये क्रेडिट हो गया खत्म हो गया ये ऐसे ही मान लीजिए जितने भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये भी ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगा तो ये भी हमारा किस रेशो में राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में और अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो कैपिटल की जगह हम लोग क्या लिख देंगे करंट अगर हमारे कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो ठीक है रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डेबिट हो जाएगा लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ए बी सी पार्टनर्स थे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी टू इस टू थ्री इज टू फोर वन टू थाउजेंड नाइन को ए रिटायर हो रहा है एंड उस डेट को हमारे पास पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस पी एंड एल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है सेवेंटी टू थाउजेंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेबिट बैलेंस है तो जब आप इसको राइट ऑफ करोगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा यानी कि पी एंड एल क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा बी एंड सी की फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है टू इज टू वन बट इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो से कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि सिर्फ एक अमाउंट मेंशन है पी एंड एल की जिसका डेबिट बैलेंस है और हम उसको क्या करेंगे ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे तो देखिए क्या एंट्री पास होगी सिंस हमारे पास पी एंड एल का डेबिट बैलेंस था अगर हम उसको राइट ऑफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेडिट तो उस केस में फिर हम लोग एंट्री करेंगे हमारे पास तीन पार्टनर्स थे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हालांकि ए रिटायर हो रहा है बट ओल्ड रेशो में तो वो भी है ना वो भी शामिल है तो टू पी एंड एल अकाउंट पी एंडल आपका सेवेंटी टू थाउजेंड का गिवन था और ओल्ड रेशो आपकी थी ओल्ड रेशो आपकी थी टू इज टू थ्री इज टू फोर तो ये सेवेंटी टू थाउजेंड टू इज टू थ्री इज टू फोर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये आएगा सिक्सटीन थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड थर्टी टू थाउजेंड कैसे आया सेवेंटी टू थाउजेंड इंटू टू डिवाइड बाय नाइन ऐसे ही बहत्तर हजार इंटू तीन बटे नो एंड बहत्तर हज़ार इंटू चार बाय नाइन ठीक है सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करा है, कुछ भी नहीं करा यही वाली एंट्रीज हम लोग एडमिशन में भी करते थे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग